नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर 3x प्लस कॉस टू द पावर 5x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x dx। ठीक है, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू द पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x dx। आ तो यहाँ कोस क्यूब एक्स रहा है कॉमन, लेकिन हम कोस एक्स ही कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइन एक्स को हम t कंसिडर कर लेंगे, तो कोस एक्स dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन एक्स को हमने टी पुट करा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो हमने डी टी रख दिया, यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स जो है टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब वन में से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। भाई दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा और वन ऐड कर दिया, ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि भाई दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा और हमने वन ऐड कर दिया। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो वन माइनस टी स्क्वायर लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर एक्स की। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर रख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस टी स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी जगह हो गया वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह हमने रखा डी टी, और नीचे आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4। ठीक है, अब ये तो हो गया वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t² अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 dt आ गया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन प्लस वन ये हो गया टू, ठीक है, ये माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस 2t², ये माइनस 3t² हो गया। ठीक है, और ये आया आपके पास टी टू द पावर 4 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4। ठीक, अब यहाँ से आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम टी स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और टी स्क्वायर हम सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें माइनस टी स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, तो ये माइनस 4t² हो जाएगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर हमने ऐड करा, भाई इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये मिल जाएगा ना। ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया हमने। ओके, अब देखो यहां पर ये टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 है, ये टी स्क्वायर और ये टी टू द पावर 4 है, इसको हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 4t², और डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है बच्चों, ये आ गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम, ये वन तो एज इट इज आ गया,
इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 6 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। आप देख लो एलसीएम लेकर के देखोगे आप तो यही टर्म आपको मिलेगी, ये 1 प्लस टी स्क्वायर तो इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप 2 भी लिख लो, ठीक है, और ये इस साइड चला जाएगा आपका माइनस 60 स्क्वायर, तो माइनस 40 स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा और आपको 2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है भाई, इसका एलसीएम लोगे तो आपको यही वाली चीज़ मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ पता लगेगी किस तरीके से करना है। आप बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी आप कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर लो। भाई इसका आप एलसीएम लोगे तो ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 प्लस 2 टी स्क्वायर मिलेगा, और ये इधर जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 60 स्क्वायर। तो आपको ये न्यूमरेटर वाली टर्म मिल रही है ना, तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट करना सीखो। ठीक है, प्रैक्टिस से, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कर दोगे तो फिर वो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता आपको जेई एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी आपको। ठीक है, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 1 का तो आगे आपका टी, ठीक है, और 1 बाय टी स्क्वायर का आपके आ जाएगा माइनस 1 बाय टी, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 6 टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट करी थी टी की जगह, वो हम यहाँ रख लेंगे। साइन एक्स माना था हमने टी को, तो यहाँ हमने साइन एक्स पुट कर दिया, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है।